नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। दोस्तों, आपको इग्नू की सारी इन्फॉर्मेशन यही मिलती है और आज की ये वीडियो है वो आपके डिमांडिंग पे बनाई जा रही है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करेंगे आपके डिमांड्स पे सबसे पहले वीडियो आएगी। तो जल्दी से चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सवाल सबसे पहले कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी समय से कह रहे थे कि हमारा असाइनमेंट कब आएगा, हम अपना असाइनमेंट कब सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इग्नू ने आपको बहुत बड़ा चांस दिया है, अब आपका असाइनमेंट कंप्लीट रूप से आ चुका है। लेकिन वेट, सिर्फ असाइनमेंट ही नहीं, असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं और असाइनमेंट कब तक सबमिट करनी होती है, किसे और कब तक, किसकी लास्ट डेट है सबमिशंस की, क्या असाइनमेंट सबमिट करने में कोई एक्स्ट्रा शुल्क लगता है स्टडी सेंटर में, और अगर आप असाइनमेंट में फेल हो चुके हैं तो क्या आपको उसी सेशन का असाइनमेंट करना चाहिए या फिर आपको नेक्स्ट सेशन का असाइनमेंट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, लेकिन हाँ, वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दूँ, वैसे हमारे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के यानी कि सॉल्व पेपर और हाँ फ्री असाइनमेंट भी मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट जल्दी से चेक कीजिए। अगर आज आपको बताती हूँ कि आपके लिए यहाँ पे सबसे पहली बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कहाँ से वो असाइनमेंट डाउनलोड करें, तो असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप स्टूडेंट सपोर्ट पे आए। स्टूडेंट सपोर्ट पे आके सबसे पहले आप डाउनलोड के लिंक पे आए। अब स्टूडेंट सपोर्ट पे आप पहुँचेंगे कैसे, ignu.ac.in के थ्रू यानी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। फिर आपको स्टूडेंट सपोर्ट में आना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एक नया टैब आपके पास खुल जाएगा, जैसे इस टैब पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपका कॉमन प्रोस्पेक्टस, मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टस, असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर, इतनी सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएगी। तो आपको जाना है असाइनमेंट पे। जैसे ही आप असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं आपके पास एक नया टैब खुल जाता है जो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी असाइनमेंट्स मिलेगी, सिर्फ एक ईयर की नहीं, बहुत सारी पुराने साल्स के भी यहाँ पे असाइनमेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ये नया अपडेट है, आपका 2020 से 21 के सारे असाइनमेंट यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जुलाई 2020-21 के लिए, जुलाई 2019-20 के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। अब आपके लिए यहाँ पे जानने वाली बात है कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है, फर्स्ट ईयर की डाउनलोड करें, सेकेंड ईयर की डाउनलोड करें। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, आपका अगर फर्स्ट ईयर है तो आप सिंपली फर्स्ट ईयर पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। हाँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना सेशन ज़रूर देख लीजिए। जैसे कि आपका सेशन अभी हम बात करते हैं, जो नया असाइनमेंट आया है वो 2020-21 के लिए आया है। तो 2020-21 के जो आपका सेशन है, यानी 2020 में आपने एडमिशन्स लिए हैं 2020 के जून सेशन में, तो फिर आपका असाइनमेंट यहाँ पे आ चुका है। और दूसरी बात आपको बता दूँ, अगर आप 2021 के जनवरी सेशन में भी असाइनमेंट ले अपना एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर भी बता दूँ, उसके जो एडमिशन अभी शुरू होने वाले हैं और आप जो एडमिशन लेंगे 2021 में, उसका भी असाइनमेंट यहाँ पे आ चुका है। यानी असाइनमेंट एक ही साथ रिलीज हो जाता है, एक ही साथ दे दिया जाता है, तो आप अपना असाइनमेंट कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूँ दोस्तों कि 2020 और 21 यहाँ पे कंबाइंड ही रहता है, तो क्या डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो दोस्तों, चलिए दिखाते हैं अब आपको कैसे आपको डाउनलोड करनी है। सबसे पहले तो आपको अपना कोर्स पता होना चाहिए। कोर्स कैसे, अगर आपका कोर्स एमए है तो आपको यहाँ पे शॉर्टली यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। एमए अगर आप पीजी कोर्सेज कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन आपके लिए है, लेकिन आप अगर अनदर कोर्सेज कर रहे हैं तो सारे कोर्स के लिए यहाँ पे देखिए। आपका अगर आप बैचलर डिग्री, तो यहाँ सिंपली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, तो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए भी सारे असाइनमेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए फिर अलग यहाँ पे एक पैराग्राफ पूरा बनाया गया है, तो यहाँ से सारे लिंक जो है वो आपके पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए है। इसके आगे आपको बता दूँ कि आपके लिए यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए आपके असाइनमेंट का लिंक यहाँ पे है,
उसके आगे आपके सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। अब दोस्तों आपको बता दूँ कि इसको आप कैसे डाउनलोड करो। सबसे पहले आपको अपना कोर्स पता होना चाहिए, कोर्स कोड पे जाइए। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे MA पॉलिटिकल साइंस के बारे में या MA सोशोलॉजी, किसी भी चीज़ का किसी पर भी क्लिक करते हैं। तो अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे हम बताते हैं यहाँ पे जुलाई 2020 और जनवरी 2021 सिंपली यहाँ पे लिख दिया गया है, यहीं पे आप क्लिक करो, आपका जो नया असाइनमेंट है आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके लिए सबसे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो प्रीवियस असाइनमेंट है उसको आप ना देखें। देखिए प्रीवियस असाइनमेंट्स नहीं, आपको अपना नया असाइनमेंट चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेंशन है, आप ज़रूर से फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए ले, और सेकेंड ईयर के लिए तो सेकेंड ईयर के लिए। यहाँ पे आपके पास दो मीडियम दिए गए, यानी माध्यम दो है। आपका पहला माध्यम है हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। आप अगर हिंदी में चाहते हैं तो ज़रूर से क्लिक कीजिए, आपके पास पूरा का पूरा PDF फॉर्मेट आ जाएगा। PDF फॉर्मेट आप सिंपली डाउनलोड कीजिए और आप इसे लिखिए, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बताते हैं कि लिखने का तरीका कैसा है, और इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे वो भी क्लियर कर देते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट असाइनमेंट में फेल हो चुके हैं आप इस सेमेस्टर के, तो क्या आप जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो फिर क्या आपको आपके पिछले सेमेस्टर का ही असाइनमेंट आपको करना है या फिर नए सेमेस्टर का? तो आपको बता दूं, आपको नए सेमेस्टर का करना है, जिस सेशन के सेमेस्टर में आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में देने वाले हैं और आप जो सेकेंड ईयर, ऐसा नहीं कि अगले सेशन का, आपको वही सेशन का देना है। जैसे कि आप, हम एग्जांपल बताते हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, आपने सेमेस्टर टू में हैं और आप सेमेस्टर टू के असाइनमेंट में बिल्कुल फेल हो चुके हैं, तो फिर आप क्या करें? तो असाइनमेंट टू फिर आप सेमेस्टर थ्री जो साथ में होने वाली है, तब आप यहाँ पे जब आप फिर से, यानी सेमेस्टर टू का ही जब आप फिर से एग्जामिनेशंस दोगे, तो फिर आपको नया वाला करना है, न्यू वाली असाइनमेंट करनी है। वो हर बार जो अपडेट होती है, आपको प्रीवियस वाली नहीं करनी है, आपको न्यू वाली करनी है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। और असाइनमेंट में वैसे बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीके से पता नहीं होता। अब हम बताते हैं कि आपको असाइनमेंट बनाना कैसे है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक वीडियो में आपको तीन तीन वीडियो मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आपको असाइनमेंट लिखना कैसे होता है, असाइनमेंट और कब तक आपको जमा करना होता है। देखिए असाइनमेंट जमा करने की डेट, अगर हम अपडेटेड डेट की बात करें तो हमेशा एक ही डेट रहती है। अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया हो, चाहे वो कोई भी साल हो, तो आपका जो असाइनमेंट सबमिशन का डेट होता है वो 31 मार्च होता है, ठीक है। और अगर आपने अगर जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं तो आपको 30 सितंबर तक सबमिट करना होता है। अब इसके आगे जैसे कि कुछ रीजंस के वजह से आगे भी डेट बढ़ाई जा सकती है, और 31 मार्च लास्ट डेट है, लेकिन इससे आगे बढ़ाई जाती है। कभी कभी तो फाइन भी लिया जाता है अगर आपने देरी की, तो फाइन आपको लिया जाएगा। तो इस वजह से ये पूरा बताया गया है। और कहाँ सबमिट होता है, तो आपके स्टडी सेंटर पे सबमिट होता है। कहाँ होगा ना, आपके केंद्र में संयोजक के पास जमा करें। तो ये सारी प्रोसेस है, आपका यहीं पे सबमिट होगा। अब हम बनाएंगे कैसे, देखिए बनाने का तरीका कितना आसान है। आपको इस टाइप के पेज लेने हैं, A4 साइज़ का पेपर आपको पूरा लेना होता है, A4 साइज़ के ही पेपर लेने होते हैं। और आप इससे अगर छोटा पेपर लेंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको, और इतने सिंपल पेपर आपको लेनी है, ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह पेपर लेने हैं और सिंपली आपको ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए लिखना है। जैसे कि हेडिंग की बात करें तो इसमें हेडिंग लिखा हुआ है, और हेडिंग लिखने के बाद आपने इसे पूरी तरह से डिस्क्राइब किया, तो ऐसे आप जैसे डिस्क्राइब करते हो तो आपके लिए ये अच्छा, आपको अच्छा नंबर मिलता है। इस असाइनमेंट के थ्रू 95 मार्क्स कैंडिडेट्स ने लाए हैं, मैं इसके रिजल्ट पर आपको दिखा दूँगी, 95% पूरे मार्क्स आए। तो अगर इसी तरह बनाओगे तो आपको 95% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब परसेंटेज की बात करें तो 95% आपको मार्क्स जो मिले, तो सोचिए आपका कितना ज़्यादा हेल्प हो गया थ्योरी पेपर में, जो आपके ग्रेड को बढ़ाता है। इसलिए असाइनमेंट पे ज़रूर से ध्यान दीजिए। तो उससे आपको बता दूँ, लिखने का तरीका बहुत ईजी है, कितने वर्ड्स में। अब जनरली लोग ना डर जाते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया असाइनमेंट को हम देखते हैं
तो यहाँ पे बताया गया है कि असाइनमेंट जो है आप कितने शब्दों में लिखे, तो शब्दों की बात यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि आप 500 शब्दों में लिखे, कैंडिडेट डर जाते हैं कि 500 शब्द कैसे हम पूरा करें। 500 शब्द कंप्लीट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ 4 पेज लिखने होंगे, 4 से 5 पेज। अगर 4 से 5 पेज आप लिखते हो तो फिर आपको पूरा 500 वर्ड आ जाता है, 500। तो 500 वर्ड इससे 4 पेज में भी ऑलमोस्ट हो जाती है, आपके हैंडराइटिंग में भी डिपेंडेंट करती है। अगर आप छोटे छोटे लिखते हो तो फिर आपका पेज भी तो नहीं भरेगा, अगर आप ओवर गैपिंग देते हो तो फिर भी आपकी प्रॉब्लम है, आप ना आपकी गैपिंग भी सही होनी चाहिए। तो जैसे आप लिखते हो उस हिसाब से 4 पेज में ऑलमोस्ट आपका हो जाता है। तो डरे नहीं, 4 पेज कंप्लीट है, 4 पेज लिख दीजिए आपके लिए सही रहेगा। फ्रंट पेज की बात करें तो ये तो इग्नू की तरफ से जो जारी की जाती है वो फ्रंट पेज है, लेकिन हमने जो फ्रंट पेज बनाया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको वो चीज़ हम दिखाते हैं। और दोस्तों आपको बताते हैं कि फ्रंट पेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे कैसे भरना है तो देखिए, सारे फ्रंट पेज में 2-4 चीज़ें आपकी कॉमन होती है, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, प्रोग्राम स्टडी, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट, नेम, कोर्स टाइटल, स्टडी सेंटर कोड, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर। सिग्नेचर इज मस्ट, बिकॉज कि अगर आपने सिग्नेचर अपना नहीं किया तो फिर नहीं पता चलेगा कि आपने सबमिट किया या नहीं। अब यहाँ पे ये जो पूरा है ये आपके द्वारा नहीं, आपके जो वहाँ पे इवेल्युएटर हैं जो उनके द्वारा ये फिलअप किया जाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं कितने नहीं। एक चीज़ और इसमें है दोस्तों कि यहाँ पे आपको ना आपका असाइनमेंट्स के क्वेश्चन, जैसे ही आप असाइनमेंट बनाते हो तो आपने उसके अंदर कितने क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, 5 किए, 6 किए, तो सारी यहाँ पे मेंशन करनी होती है आपको। तो इससे क्या होता है, जो असाइनमेंट इवेल्युएटर होते हैं, जो टीचर होते हैं साइन करने वाले, उनको पता चलता है कि आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं। तो दोस्तों इस वजह से पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको बहुत सारी क्वेश्चंस जानने को मिले होंगे सवाल, और आपका जो नया असाइनमेंट है 2020-21 उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैंने तरीका तो आपको बता ही दिया, आप जाके वहाँ ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आप अपना डाउनलोड कीजिए और हाँ लिखिए। अगले वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो मैं बताऊंगी कि किस तरह आप बिना कोई असाइनमेंट खरीदे हुए खुद से पूरा असाइनमेंट क्लियर कर सकते हो आपके स्टडी मटेरियल से। तो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो ज़रूर कमेंट करें, और नहीं है तो कहां से डाउनलोड करेंगे वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।